साड़ी का पल्ला डिफरेंट आर्ट तरीके से बनाने का आज मैं बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज श्रुति सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव श्रुति स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टाइल नंबर वन, सबसे पहले यहाँ पे अपने पल्ले को ओपन भी रखेंगे और इसको अपने शोल्डर पर रखकर इसको एक पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाले बॉर्डर को सेट करते हुए हम थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ पे इसको बॉर्डर के साथ एक पिन के साथ इसको मर्ज कर देंगे। सबसे पहले अपने बॉर्डर को सेट कर लें और सारी जो प्लेट्स हमने छोटी छोटी बनाई थी उसको एक पिन के साथ बॉर्डर के साथ सिक्योर कर लें। तो लीजिए, फर्स्ट स्टाइल हमारी तैयार है। इसको आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये कैरी कर लिया, आपको ओपन भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको पीछे से घुमाकर आगे हाथ से पकड़ सकते हैं या फिर इसको अपने शोल्डर पर रख सकते हैं। बॉर्डर को सेट करते हुए शोल्डर पर रख लें और अपने हैंड से इसको सेट कर लें और बाकी ये आगे बॉर्डर को हम अपने हाथ पे रख लें। तो लीजिए, ये हमारा लुक ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं या आप ऐसे पकड़ सकते हैं। चलिए सेकेंड स्टाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पल्ले को लेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पे इसको नीचे से सेट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मेरी साड़ी का बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए अपनी ड्रेपिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैंने प्लीट्स को कंप्लीट करके अपने राइट हैंड शोल्डर पर रख लिया है और उसके बाद एक पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। अब आगे बॉर्डर के साथ अपनी सारी प्लेट्स को सेट करेंगे और एक एक करके पकड़ते हुए यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद यहाँ जो हमारे कमर वाला बॉर्डर था इसको हम पीछे टाइट करते हुए लेके जाएंगे और यहाँ कमर पे ही एक पिन से इसको भी यहाँ पे हम सिक्योर कर देंगे। उसके बाद बॉर्डर का कॉर्नर लेके अपने लेफ्ट हैंड वाले शोल्डर पर रखेंगे और उसको एक प्लेट्स बनाकर अपने शोल्डर पर पिन से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा वेव में एक साइड से स्ट्रेट और एक साइड से थोड़ा कर्व में लुक आएगा, जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद अपने अंदर वाले बॉर्डर को सेट करें। सेट करने के लिए यहाँ पे हमने जो पिन लगाई थी इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अंदर वाले बॉर्डर को दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और उसके बाद इन दोनों में हम पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। आगे की सारी प्लेट्स को सेट करने के लिए यहाँ मैंने राइट हैंड साइड की तरफ जो प्लेट्स हैं सेट करते हुए एक एक करके पकड़ते जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर भी एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे, जिससे ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ स्ट्रेट रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर्व रहेगा। तो ये हमारा सेकंड स्टाइल तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टाइल नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पे हम साड़ी के पल्ले के हाथ पे रखेंगे और उसके बाद उसकी बॉर्डर के साइज़ की हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और कमर पे टाइट करते हुए इसकी हम सारी प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने ऊपर से नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पर हमें पल्ले का अपना ट्राइंगल शेप देना है, इसलिए। तो हाथ पे रखने के बाद अपनी सारी प्लेट्स को टाइट करते हुए बना लें। प्लेट्स बनाने के बाद हम थोड़ा सेट करेंगे और उसके बाद अपने शोल्डर पर इसको रख कर सेट करते हुए यहाँ पे हम एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद हम आगे की प्लेट्स को थोड़ा सा सेट करेंगे और सेट करते हुए अपने पल्ले को ऊपर की तरफ दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए यहाँ पे भी हम एक पिन से इसको सिक्योर करेंगे, जिससे दोनों बॉर्डर एक साथ मिले रहें। तो ये हमारे पल्ले का लुक था जो ट्रायंगल शेप में है, नीचे लंबा रहेगा और ऊपर की साइड में छोटा रहेगा। ये स्टाइल काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए स्टाइल नंबर फोर्थ की तरफ। सबसे पहले बॉर्डर को ऊपर की साइड में लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपने ब्लाउज़ के साथ पिन से सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे सिक्योर हो चुका है। उसके बाद चलिए अब अपनी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर के साथ अपनी प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से पकड़ते हुए नीचे की तरफ से सेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी साड़ी का बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारी ड्रेपिंग बहुत ही अच्छे से कैरी किया है।
तो यहाँ पे हमने नीचे की प्लेट्स को सेट कर लिया है। उसके बाद अब हम नीचे से टाइट करते हुए बॉर्डर को ऊपर की साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे हम एल शेप देंगे अपने बॉर्डर को। ऊपर की तरफ से स्ट्रेट रहेगा बॉर्डर हमारा और नीचे की तरफ से एकदम लाइनिंग सीधा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी प्लेट्स को एक साथ करते हुए अपने अंदर वाले बॉर्डर को बाहर की तरफ निकालेंगे और सारी प्लेट्स को अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। आगे वाले जो बॉर्डर था उसको भी हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको स्क्वायर शेप देंगे। उसके बाद यहाँ प्लेट्स को सारी प्लेट्स को सेट करते हुए एक पिन से यहाँ पे भी इसको सिक्योर कर देंगे। तो लीजिए ये स्टाइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप अब तक की सारी स्टाइल्स आपको पसंद आई होंगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, स्टाइल नंबर 5। इसके लिए भी हमने जो हमने आगे पिन लगाई थी उसको हम ऐसे ही लगा छोड़ देंगे और उसके बाद अपने पल्ले को पीछे की साइड में ले जाते हुए अपनी कमर पे बॉर्डर को सेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके साड़ी को एक साथ इकट्ठा करें और उसके बाद बॉर्डर के नीचे इसको सिक्योर कर दें और टाइट करते हुए अपने पूरे पल्ले को पीछे की साइड में ले जाएं और अपने शोल्डर पर ले जाकर इसको छोड़ दें। यहाँ पे आपका लंबा वाला जो कॉर्नर था वो ऊपर की साइड में आएगा और छोटा वाला अंदर की साइड में। तो इसको शोल्डर पर रखते हुए हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर के नीचे हम थोड़े थोड़े फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इससे हमारी सारी प्लेट्स बहुत ही आसानी से बन जाएंगी और जो हमें पल्ले का लुक चाहिए वो भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो लीजिए नीचे वाले बॉर्डर और ऊपर वाले बॉर्डर के बीच में हमारी सारी प्लेट्स बन चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। प्लेट्स को सिक्योर करने के बाद यहाँ पे एक पिन से अपने ब्लाउज के साथ भी इस पल्ले को सिक्योर कर लें और आगे आप देख ही रहे हैं। तो ये लुक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 6 की तरफ। स्टाइल नंबर 6 के लिए यहाँ पे हमने पल्ले का कॉर्नर लिया है और कॉर्नर को हम एक के ऊपर एक करके ट्राइंगल शेप में इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। नीचे की साइड भी एक पिन से सिक्योर करेंगे और ऊपर की साइड भी एक पिन से सिक्योर करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा ट्रायंगल शेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल शेप वाले पल्ले को अपने शोल्डर पर रखेंगे और यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद हम नीचे की साइड भी थोड़ा प्लेट्स बनाएंगे और इस बॉर्डर को भी यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद बचे हुए फैब्रिक को अपने राइट हैंड पे रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे भी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले बॉर्डर को पकड़ते हुए नीचे वाले बॉर्डर की तरफ छोटे छोटे करके प्लेट्स सारी कंप्लीट कर लेंगे और दोनों बॉर्डर को शो करते हुए सारी प्लेट्स को अंदर कर देंगे। सिक्योर करने से पहले आप पीछे साइड में इसको पलट के देख लें आपकी सारी प्लेट्स अंदर साइड में है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर दें। सिक्योर करने के बाद ऊपर की तरफ से एक बार बॉर्डर को फिर से सेट कर लें और यहाँ पे दोबारा एक पिन से इसको सिक्योर कर दें, जिससे आपका दोनों बॉर्डर शो होने लगेगा। अब हम इस बॉर्डर को अपने हैंड पर ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये साइड वाले बॉर्डर को पीछे की साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे हम एक पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो लीजिए ये भी स्टाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप अब तक की सारी स्टाइल्स आपको पसंद आती जा रही होंगी, तो प्लीज एक बार कमेंट करके भी जरूर बताते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, स्टाइल नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले अपने बॉर्डर को अपने शोल्डर पर ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे वाले बॉर्डर को उठाते हुए अपने ऊपर वाले बॉर्डर के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसको सेट करेंगे।
नीचे तक सेट करते हुए यहाँ पे हम एक पिन से इसको अपने ब्लाउज के साथ सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद आप नीचे तक बॉर्डर को सेट करें और यहाँ पे भी हम नीचे वाले बॉर्डर और ऊपर वाले बॉर्डर को मिलाते हुए एक पिन से इसको भी यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। तो लीजिए, ये स्टाइल भी कितना इजी था और ये स्टाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने अब तक की जितनी भी स्टाइल्स बताई हैं, आप उन लुक को अपनी किसी भी पार्टी किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं और बहुत ही डिफरेंट लग सकते हैं। इन स्टाइल्स को ट्राई करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, स्टाइल नंबर 8 की तरफ। इसके लिए अपने बॉर्डर को पकड़ेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके एक साथ इकट्ठा कर देंगे। दोनों बॉर्डर को सेट करते हुए अपने नेक में फंसाएंगे और दूसरी साइड में ले जाकर इसको अपने राइट हैंड साइड वाले शोल्डर की तरफ छोड़ देंगे और आगे वाले बॉर्डर को हम दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप देंगे और उसके बाद आगे जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने पल्ले को डाला था उसके ऊपर वाले बॉर्डर के कॉर्नर को लेंगे और उसके बाद इसको पीछे से घुमाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। लेकर आने के बाद जो हमारा पल्ला था उसके नीचे की साइड में हम लेके जाएंगे और जो हमारा चौड़ा वाला बॉर्डर है उसको फोल्ड करते हुए अपनी कमर पे इसको टाइटली टक कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी आगे की प्लेट्स थी, आगे के जो बॉर्डर था उसको सेट करेंगे। तो लीजिए, ये हमारा बिना पिन से एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताते रहें और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।